न्यूज का इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। संत रविदास जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाएगी उत्तर प्रदेश बलिया जिले के सुखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा भोजपुर में शोभा यात्रा निकालने के साथ ही सभा का आयोजन हुआ। संत शिरोमणि बाल कमेटी से शोभा यात्रा निकाली। सोनू कुमार और मिठू राजभाई ने संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मिठू राजभाई ने कहा कि संत रविदास मानवीय आदर्श के प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपने कर्तव्य तथा भक्ति द्वारा लोगों में श्रद्धा चरण का संचार किया। और मैं अखिल भारतीय राजभाष संगठन का जिला महासचिव हूँ। कैसा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है? ये तो रविदास जयंती मनाई जा रही है, हर साल मनाई जाती है, लेकिन इस साल तो यहाँ बहुत भव्य रूप से मनाया जा रहा है। बच्चों की सराहनीय, मैं तो अपने ओर से धन्यवाद दूंगा। मैं हर साल आता हूँ, लेकिन इस साल ये बच्चों में इतनी उमंग है कि मैं इनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि ये हर साल ऐसा ही मनाए। जी, भंडारा की व्यवस्था की गई? हाँ, इन लोगों ने तो अजब इस तरह का जो कार्यक्रम किया है, बहुत सराहनीय कार्य है। कितने लोगों किया गया है? का व्यवस्था किया गया है, जिसमें कितने लोगों का? 400 का टारगेट लिए हैं, और उसमें तो अनगिनत टारगेट, जैसे 400 बच्चों का इन्होंने व्यवस्था बनाया हुआ है, जिसमें बड़े छोटे सब का भार चलाया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश देना चाहता हूँ कि ये हर जगह, चाहे कोई भी धर्म या समुदाय के लोग, हर समुदाय के लोग मिलजुल के काम करें, और हर चीज़ों में जो संत रविदास जयंती जो बनाई जा रही है, या हमारे जो संत हैं, महात्मा हैं, ये हर धर्मों से ऊपर हैं, और मैं इनको सादर नमन करता हूं, और चाहूंगा कि ये समाज के लोग जो हैं हर हो उल्लास से बिना निसंकोच मनाते रहें इस कार्य को। मेरा नाम सोनू है, सोनू कुमार भारती। मैं युवा जय भीम, मतलब भीम संगठन से हैं हम लोग, और हम लोग अपने कार्यकलाप के हिसाब से पूरे हमारे गांव के सहयोग से रविदास पूजन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे गांव का पूरा सहयोग है, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से पूरे गांव का सहयोग रहे, ताकि हमारा ये जो पूजा पाठ हो, धीरे धीरे मतलब लोगों को उत्साहवर्धन हो और लोग जाने, क्योंकि धीरे धीरे लोग ये पूजा के बारे में मतलब जानते नहीं। अगर किसी से कोई बात कहा जाए तो ये कहा जाए कि ये सिविल कास्ट के लिए केवल पूजा है, ताकि ये संत रविदास जी है, क्योंकि संत रविदास है, ये रविदास जो संत है सबके लिए हैं ये, लेकिन अगर इनके पूजा के बारे में कहा जाए तो किसी से भी कहा जाए तो वो कहते हैं कि सिविल कास्टों के लिए है केवल, ताकि ये पूजा में भेदभाव ना हो, इसलिए मतलब हम लोग इस पूजा को लेकर। जी, तो आज इस कार्यक्रम जो आप पूजा है, आज जो कार्यक्रम है, क्या संदेश देना चाहते हैं प्रदेश? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो हमारे लड़के हैं, जो बैच के हमें लड़के हैं, इनसे चाहते हैं कि इनके बारे में उज्जवल हो, मतलब इनको विकास किया जाए, कि धीरे धीरे मतलब जैसा और भी पूजा हो रहा है इनके बारे में कुछ इनके विषय में बताइए। ये इनके विषय में बताने का है, ये ऐसे संत थे कि सब लोग, हर ऋषि मुनि पूजा करते थे तो वो हर मंदिर में, मस्जिद में जाकर पूजा करते थे, लेकिन ये ऐसे तरीके से पूजा करते थे कि ये खुद ब खुद अपने यहाँ रख कर, एक कठौती में जल रख कर, वो बोले कि हम यहीं पे सबको, अगर मन साफ हो, मन दिल साफ हो, तो सब चीज़ सही है। क्योंकि वो बताए थे, एक दोहा लिखे थे वो, कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये नहीं है कि मतलब हम मंदिर में ही जाकर पूजा करेंगे। अभी आप बताएं भेदभाव को लेकर, मतलब किस प्रकार के भेदभाव हो रहे हैं? जैसे मतलब हमारे सिविल कास्ट के जो भी हैं, लड़कियां हो चाहे लड़के हो, पढ़ने जाएंगे तो उनको लोग तरह तरह के मतलब बातों को लेकर उलझन लेकर कहेंगे कि ऐसी है वैसी है, तरह तरह के बात मतलब उछाला जाता है, ताकि ये ना हो, हमारे समाज में ऐसी सिचुएशन ना आए, क्योंकि सबको पढ़ने का, सबको शिक्षा का अधिकार है। राजीव कुमार भारती, कहाँ के रहने वाले हैं? भोजपुर का रहने वाला। क्या यहाँ पर हो रहा है? यहाँ पे हम हर साल बाबा साहब को संत रामशिव रविदास जी का हम लोग यहाँ पूजन करते हैं, और हम चाहते हैं कि हर साल उनका ऐसे ही पूजा करते रहें, और सब एकजुट होके ये पूजा को सफल बनाए। ये कितने सालों से आप लोग यहाँ कर रहे हैं? कम से कम ये लगभग हम लोग तो जब से हम लोग का 15-20 साल से ये चल रहा है प्रक्रिया। क्यों करना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो पूजा है, हम सबको मिलजुल कर करना ही चाहिए, और क्या। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।